ओ सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और उसमें सुधार करो। प्यारे दोस्तों, आप लोगों के बीच मैं पुनः फिर से हाजिर हूँ और आप लोग को यह सवाल हम सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे कि यह सवाल को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। यह सवाल प्रूफ डेट का सवाल है, सत्यापित करने के लिए हम लोग सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाले वैल्यू को LHS कहते हैं। इसको कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाले एक को हम लोग राइट हैंड साइड कहते हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और राइट हैंड साइड को पूरा करेंगे। तो चलिए, फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड से 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री इजकल टू में 1। एक चीज आप लोग इसमें देखें, यहाँ पर थीटा को हम लोग जो है ना 90 डिग्री पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर 10 48 में 10 42 को अगर जोड़ दें तो हम लोग का मान हो जाएगा 10 48 48 और 42 90, और 10 ये वाला 23 को 67 के साथ ऐड कर देंगे तो ये दोनों मिलकर के ये इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं, 10 48 इंटू 10 42, ये दोनों एक साथ कर लिए। अब ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इजकल टू में 1। अब इन दोनों के बीच जो है, और इन दोनों के बीच दोनों में से एक का मान हम लोग चेंज कर देंगे। अगर हम लोग एक का मान चेंज करेंगे, यहां क्या लिखेंगे, 10 इसको चेंज कर रहे हैं 90 डिग्री, अब माइनस, अब 90 में से अगर 48 है, थीटा यहां पर जाना चाहिए, तो 90 में से कितना घटाएं, थीटा का मान जो 48 यहां पर हम लोग का बचा हुआ रह जाएगा। अगर 90 में से 42 घटा दें तो ये हो जाएगा 10 में से 2 घटेगा 8, यहाँ 8 में से 4 घटेगा 4। इसका मतलब हम लोग यहाँ थीटा का मान 42 रखेंगे। 10 42 डिग्री इंटू इन दोनों के बीच में एगो को चेंज कर दीजिए, हम पहले वाले को चेंज कर देते हैं, इंटू 10 90 डिग्री माइनस, यहाँ 23 पुरना है पुराना है और मान वह परिवर्तित भी रहना चाहिए, मान चेंज भी नहीं होना चाहिए। 90 में से अगर 67 अगर घटा दें तो हम लोग का यहाँ 23 डिग्री पूर जाएगा, और उसके बाद यहाँ बच जाएगा 10 67 डिग्री इजकल टू में 1। आप लोग को सूत्र ये पता होगा, कौन सा सूत्र, 10 90 माइनस थीटा बराबर कौन थीटा होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ 10 90 माइनस थीटा है, इसको लिखेंगे हम लोग कॉट थीटा के जगह क्या लिखेंगे, 42 इंटू, अब यहाँ पर 10 42 है, 42 इंटू 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यहाँ लिखेंगे कॉट, अब यहाँ थीटा की जगह 67 डिग्री इंटू 10 क्या लिखेंगे, 67 डिग्री इजकल टू में 1। अब 10 एक सूत्र आप लोग को और पता होगा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो ये दोनों को लेकर चलेंगे, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1, फिर 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1, एक गुना इसका मान 1 बराबर में 1, एक गुना हम लोग ये करेंगे 1 होगा बराबर में 1 होगा,
एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करें। अब हम लोग दूसरा सवाल को कंप्लीट करेंगे बिल्कुल आसान तरह से। आसान तरह से कैसे, इन दोनों में से एक का मान चेंज कर देंगे और इन दोनों में से एक का मान चेंज कर लेंगे। चेंज कैसे करेंगे, कॉस लिखेंगे 90 डिग्री माइनस और थीटा की जगह क्या लिखेंगे। अब 90 में से हम लोग कितना घटाएंगे कि यहां पर 38 आ जाना चाहिए, तो यहां पर 52 हम लोग घटाएंगे, तो 90 माइनस 52 करेंगे तो हम लोग का कॉस 38 डिग्री पूड़ गया। इनटू है इनटू कॉस 52 माइनस, अब इसको जैसे का तैसे दोनों में से एक ही को चेंज करना था, ठीक है ना। अब इन दोनों में से एक को चेंज कीजिए, इसको कीजिएगा तो इसको नहीं, इसको कीजिएगा तो इसको नहीं, आखिर दोनों में से एक। हम पहले वाले को चेंज करते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह हम लोग जो है 90 में से कितना घटाएं कि 38 हो जाएगा, 90 में से अगर 52 आप लोग घटा दीजिएगा तो यहाँ 38 पूर जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 52 डिग्री इंटू इंटू साइन 52 इजकल टू में 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को पता होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कौन थीटा, ना कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कौन थीटा, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे 52 डिग्री इंटू कॉस फिर 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कौन थीटा, कॉस थीटा, थीटा की जगह लिखेंगे 52 डिग्री इंटू साइन क्या लिखेंगे 52 डिग्री इक्वल टू में 0। समान संख्या में यदि समान संख्या को माइनस करते हैं तो उसका मान 0 आता है बच्चों। अगर 6 में से 6 घटाएं 0, 8 में से 8 घटाएं 0, अगर ये में से ये घटाएंगे 0, 8 में से 8 घटाएंगे 0, बी में से बी घटाएंगे 0, तो उसी प्रकार से साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री में से साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री को जब माइनस करेंगे तो इसका मान होगा 0। अब देखो 0 बराबर में 0, एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड हो चुका है बच्चों। अगर ये आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।